आमी चरण नमामी अंतरियामी। नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्य नमो वज्जयाणम नमो लोये सविषाम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायिते सर्वज्ञशासनं जयवंति वरिते निर्गंति शासन जयवंतु वरिते। हे भाव्यविचिन्निरताय मनिमे सर्वज्ञशासन जयवंतु वरिते। दिव्य शांति में तीर्थ आपका परमी शांति है तत्व आपका हो प्रभावना मंगलकारी पारसी प्रभु की छवि सुख प्रभु चरणन मैं धोके अमा। शशन नायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की श्री पार्श्वनाथ भगवान की भीम महामुनिराज की भीम मुनिराज की मांगलिक कथा का आज तृतीय दिवस है। किस प्रकार से परिणामों की फलों को जीव प्राप्त करता है। भाई विराधना का दंड भी तुझे ही भुगतना पड़ेगा। तेरे विराधक परिणामों का फल तू ही भोगेगा। शरीर और संयोग का क्या होता है इससे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं सुख दुख का संबंध तो परिणाम से होता है। हमारे गुरु जी कहते हैं पंडित पंडित साहब संयोग उदयाधीन मिलते हैं, कार्य योग्यता अनुसार होता है, और तीसरा बोलो सुख दुख परिणाम अनुसार। भाई जी भटकता भटकता बन गया था चोर, मारा था उसने उस भव में क्रूर परिणाम। आरिका माता जी को और मुनिराज जी को अग्नि में नहीं जलाया था उसने, विद्युत देव नाम का चोर था ना, तो उसने किसको अब जलाया था अग्नि में। आचार्य भगवान कहते हैं कि अग्नि में भाई स्वयं जला था, क्योंकि कसाई की अग्नि से बड़ी कोई अग्नि नहीं है, और उस अग्नि में जला उसके फल में आज अग्नि में जलने का समय आ गया। जितना किया उतना तो इसी भव में मिलेगा, लेकिन उससे जो बंधा पाप है उसके लिए नरक जाना पड़ेगा। चंडाल ने जब कहा तभी तुमको अग्नि में जलना पड़ रहा है, क्योंकि जो तू अन्य के साथ करता है वो अन्य के साथ नहीं कर रहा है, वो तू अपने साथ कर रहा है। बंदनीय से बंदनीय भोग
पूजनीय से पूजनीय भव, वंदनीय से वंदनीय होते हैं। देव गुरु की वंदना करोगे उससे तुम वंदनीय होगे, उनकी पूजा अर्चना करोगे उससे तुम पूजनीय होगे। निंदनीय से निंदनीय, उनकी निंदा से निंदनीय होती है। चांडाल चोर को समझाने लगा था, जब वो चरणों में गिर गया है फल जान करके कि मुझे बचा लो, मैंने तो ऐसे ऐसे पाप किए हैं। तब बोला है चांडाल, क्या बोले हैं, गिरा चांडाल के चरणों में ब्राता मुझे बचाओ, बोला जो को श्री देव गुरु को जिनने मुझे बचायो। वो कह रहा है मुझे बचा लो, और भाई पवित्र आत्मा भले ही अभी चांडाल की पर्याय में, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर वो सम्यक सहित है और चांडाल की पर्याय में भी है तो गणधर देव भी उसे देव कहते हैं। जैसे भस्मके भीतर अंगारा है, उसी प्रकार चांडाल की पर्याय में भी उसने चैतन्य ज्योति को प्रकट कर लिया, सम्यक्त प्रकट कर लिया है। भाई समझाने लगा, मुझे बचा लो, चरणों में गिरा, वो पीछे हट गया। भाई तुम तो उत्तम कुल के हो। बोले काय का उत्तम कुल, हम तो नीच हैं, क्योंकि नीच कार्य से नीच होता है। तुम छोटे कुल में भी सिद्धों के कुल के हो गए। संसार वाले भले ही तुम्हें शूद्र कुल का कह रहे हैं, लेकिन सिद्ध भगवान तो अपने कुल का कह रहे हैं, क्योंकि तुमने सिद्ध के समान अपने शुद्ध आत्मा को जान लिया है। मुझे बचाओ, तो बोले झुको देव साध गुरु के चरणों में जिनने मुझे बचायो, मैं भी तुम्हारे समान ही पापों में लिप्त था। अगर मुझे कोई बचाने वाला है तो वीतरागी देव साथ गुरु है। अरे जाओ उन चरणों में, जिन चरणों में स्वरूपा चरण की प्राप्ति हो जाती है। जिन चरण जिनके चरण में स्वरूपा चरण पा भवि भव सागर तेरते हैं, श्री भीम मुनि राज की मंगल कथा सुनाते हैं। मंगल जैन पुराण आसुम पापों को त्यागे निर्मल सम्यक दर्शन प्रगटाओ, पर द्रव्यों भावों से न्यारो ज्ञायक अनुभव में लाओ। हे भाई पापों का त्याग करके निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, और परद्रव्य प्रभावों से न्यारे अपने ज्ञायक भगवान का अनुभवन करो। परमात्म तत्व ना पाप रूपयो गुरुवर कहते हैं, श्री भीम मुनिराज की मंगल मुझे मंगल जैन पुराण आसो। भगवान आत्मा निष्पाप तत्व है, ये जो परमात्म तत्व है ये पाप रूप नहीं होता। मैं पापी हूं। आचार्य भगवान वो समझाते हुए, वो ज्ञानी भले ही वह शूद्र पर्याय में कह रहा है, भाई तुम परद्रव्य प्रभावों से न्यारे चैतन्य परमात्मा हुए अनुभवन में लाओ। मैं कैसे कर सकता हूं, मैं तो बड़ा पापी हूं। कि जो परमात्म तत्व है ना,
जो अंतर में विराजमान परमेश्वर है ना, वो पाप रूप नहीं होता है। परिणाम परिणित हो जाए अपरिणामी बैराए, सहज ज्ञान गढ़ के भीतर पाप न छुपा। परिणाम परिणित हो गया, मैं भाई का भाई रह गया। अपरिणामी भगवान इस पर्याय में बहते हुए परिणामों के साथ कभी नहीं बहता है, वो तो अपने सहज ज्ञान रूपी गढ़ में सुरक्षित रहता है। जो अव्यावादी है, पापों ने आज तक उस गढ़ को देखा ही नहीं। जहां आप है वहां पाप नहीं, जहां पाप है वहां आप नहीं। इन सब सो बचावन आरा ज्ञायक गुरुवर कहते हैं, श्री भीम मुनिराज की मंगल आते हैं। सुनो जी, वो देश दे रहा था चांडाल शुद्र पर्याय में, शुद्ध तत्व देखने वाला धर्मात्मा, और वो हाथ जोड़कर सिरवण कर रहा था। कौन कौन? बुद्ध बुद्ध विद्युत देव नाम का चोर, भीम मुनिराज का जीव। अब तो घोषणा कर रहे देखो तो सही, उनका उपदेश के लिए विचार नहीं किया कि इनसे का उपदेश सुनेंगे। ये कहा जाना है, अगर कोई ज्ञानी महात्मा मिल जाता है वो किस बेस में, ये मत देखना। किस बेस में ये मत देखने का अर्थ ऐसा मत लगाना कोई जींस पहने उल्टे सीधे खान पान कर रहा हो, ये मत देखना। ये स्वार्थ मत लगाइए। किस वेश में? मतलब गृहस्थ वेश में है कि मुनि वेश में? क्योंकि चौथा गुणस्थान वर्ती तो अविरत दशा में भी होगा है? वो पंचम गुणस्थान में होगा तो योग वैसे त्यागियों की योग वस्त्र पहने होगा, और अगर वो चौथे गुणस्थान में होगा तो गृहस्थों जैसे वस्त्र दिखेंगे आपके और उसके एक से दिखेंगे। परंतु इसको देखने से ये अचमत जाना। चांडाल विचार कर रहा था इनका उपदेश छूटा तो अग्नि में जलना ही है। पंचम काल में भी कोई भगवान कह के पुकारने वाले मिल गए हैं तो समझना ये भगवान की विदेही देशना लेके आने वाला कोई महापुरुष है। अमृत बरसारे पंचम काल रे गुणवंता ज्ञानी शुभराओ सो बर बर पीवे निगुरा रे जाए प्यासारे। अमृत बरसारे पंचम काल, ये तो चौथे काल की कहानी है। चांडाल शूद्र पर्याय में वो शुद्ध तत्व की बात सुना रहा, ऐसे हाथ जोड़े थे। जी जी, वो सुनता हुआ बल जाग गया। किसको जल्दी बताओ? विद्युत देव को। और क्या बोला? सत्काल पंच पाप का त्याग कर, सात व्यसनों को छोड़ दिया, पंच पापों को छोड़ दिया, सब रात्रि भोजन सब पाप त्याग कर दिया। पंच प्रभु की श्रद्धा धरी, पांच पाप का भी त्याग नहीं है तेरे तो पांच प्रभु की भक्ति तेरी अधूरी है। न पंचम भावी की महिमा फिर धारी सुखकारी,
पंच पाप का त्याग किया, पंच परमेष्टि हृदय में आए, पंच परमेष्टि हृदय में आए तो पंचम भाव की महिमा दिखाने लगे, पंचम भाव की महिमा में डूब गया वो। मैं नारक त्रयंचादि रूपना लखे अरसाते हैं, श्री दी में मुनिराज की मंगल। ए पर आया वो पर आय में पर आयो से पार, भाई दुख कैसे भी हो मुझ छूए नहीं लगा। चाहे नार की पर्याय आएगी चाहे भी मनुष्य पर्याय है, मैं तो पर्यायों से पार हूं। आत्मा की महिमा करते अब निर्वैता बरते रे, श्री भीम मुनिराज की मंगल। भगवान देवगुरु की श्रद्धा आई, पंचम भाव की महिमा करता कर सुनता 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 डूब गया उसी की महिमा में और निकल पड़े हैं भी सब। जलेगा तन अमना जलेंगे, क्या कह रहा है? अब तो देख लिया चैतन्य का किला, आनंदकारी किला। जलेगा तन अब नहीं जलेंगे, क्यों नहीं जलेंगे जल्दी बताओ? अभी तो अग्नि में जलाने वाले हैं वे, क्योंकि हमने अब ना जलने वाला क्षेत्र देख लिया। जिन शासन का प्रताप नरक वेदना में भी बेदेंगे, अब तो ज्ञायक ना। ठीक है नरक बन गया है वो तो आएगा, लेकिन अब नारकी नहीं देखेंगे, अब वेदना रूप नहीं देखेंगे, अब उस वेदना में भी अपने चैतन्य का वेदन करेंगे। कर विचारे खुशी सो नाचते उसे दिखाते हैं मुनिरा। जिन शासन मिलो मान, अब तो नाचने लगा कौन है जल्दी बताओ? वो विद्युत देव चोर था ना, हमें मरा हे राजन बचाओ, ये भैया बचाओ, अब नहीं करूंगा अपराध, और अब तो नाच रहा है। राजा सोच रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं पागल हो गए क्या हो गए, अभी अभी तो रो रहा था, इसने क्या सिखा दिया, क्या कह दिया इसको, कोई ये थोड़ी बचा लेगा है? अब नहीं मरेंगे हम, अब नहीं जलेंगे। लेकिन मिल गया उसको कौन जाने। जिन शासन मिलो मान है महामहिम सुख खान, जिन शासन मिलो मान है महामहिम सुख, इसकी सदादारी और मैं इसकी मंगल मैया मुलाना। जिन शासन मिलो मान है महामहिम सुख खानी, नाई दुख कभी पाएंगे नाई, परमानंद हम जराएंगे, परमानंद हम जराएंगे, परम तृप्त हम लान। जिन शासन मिलो मान है महामहिम। और तब तक तो ले गए, पकड़ के ले जा रहे हैं इनको, चांडाल को और भ्राता। चिंता नाई करना अग्नि तुम्हें कभी छुए है ना, प्रभु ध्रुव प्रभु आस्पर्शी ज्ञायक गुण खाना। जिन शासन
ने ये माँ वहाँ भी जा कर तुम्हें बेदना उसे बेदना को न बेदना ध्रुव जान निहार मुलाना जिन शासन मिलो मान गए महामहिष फेंका अग्नि में। पकड़ के दोनों को फेंक दिया। शुद्धातम की दुनी अरे लगाए चांडाल वासल बस उसको ज्ञाता नाथ दिखाए। भूल मत जाना तुम तो चैतन्य हो ना, तुम तो प्रभु हो ना, अपन थोड़ी जल रहे हैं, जो जल रहा है वो तो कोई दूसरा है। सप्तम नरक से प्रथम नरक उस जाते दिखाते हैं श्री भीम मुनिरा। सातवा बनाता और रह गया पहला, धर्म का प्रताप, धर्म की श्रद्धा का प्रताप, सम्यक का प्रताप। पहला नरक रह गया। बाई नरक दुखी भुगती भीतरिया परमानंद जरा। वो जो जीव था ना बुद्ध देव का, कहाँ चला गया? मारो काटो, और उस मारो काटो के भी देव छेदाए आवेदाए को ले जाए नष्ट बने अरे। अथवा कोई रीति जाए पर तन नहीं मेरा अरे। नरक के भूमि में चैतन्य भूपा परमानंद बरसाए चांडाल तज की दे स्वर्ग में उपजते पाते हैं श्री भीम मुनि सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा स्वर्ग में क्षण मात्र में जब वो दशा मिली हो मैं तो ये सम्यक के प्रताप से ऐसे स्वर्ग में आ गया, लेकिन मुझे अब मनुष्य पर्याय में तत्क्षण जाना चाहिए जिससे कि मैं धर्म का अतिशय दिखाऊं, क्योंकि लोग तो धर्म पर श्रद्धा नहीं करेंगे, सामान्य लोग जन तो यही मानेंगे कि देखो नियम लेवे को फल, और हमारे जो कुल के जीव तो वैसे ही हिंसक कार्यों में मग्न रहते हैं, कभी अहिंसा नहीं डारेंगे, सोचेंगे राजा के द्वारा दंड मिला और अग्नि में जल गया क्या मिला। अतः उसी समय अग्नि बुझ नहीं पाई थी, क्योंकि अग्नि बुझे उसके पहले तो शरीर छूट गया ना, वो तो मुर्दा जल रहा था, जिंदा तो चला गया था, समझ में आया। और अग्नि की ज्वालाएं शांत नहीं हो रही थी तब तक तो जिन शासन मिलो महान है महामहिम सुख कान। और परम अहिंसा धर्म की, जैन धर्म की, जिन शासन मारा प्राण है महामहिम सुख कान। इसकी और भक्ति रचाए अहो मंगल मैया मुलानी। जिंदरम तेरा समझा मरम तेरी रक्षा में प्राणी विसर्ज देंगे हम नाम से हम रहे या भुला दे सभी नाम तेरा अमर कर जाएंगे हम। हा गया जो जैन शासन की, जो जैन शासन की। और वो देव पुष्प की वर्षा बरसाता हुआ, रत्न बरसाता हुआ ऊपर से विमान लेकर के चला रहा है। कौन? चांडाल है ना। हाँ चांडाल कौन हो गया?
और जब देख रहे लोग ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या है कि देव कैसे आ गया यहाँ पर, जैन धर्म की जयकार लगाता हुआ। बोले राजा खड़ा हो गया, हाथ जोड़ने लगा, प्रजा खड़ी हो गई, कहा कौन है कौन है कौन है कौन है। बोले मैं भाई हूं जो जल रहा है जो जल रहा है, और ये देव मैं वो नहीं हूं, उससे न्यारा हूं, ना पहले चांडाल था ना भी देव की पर्याय में हूं। वो चांडाल की पर्याय भी न्यारी थी और देव की पर्याय भी न्यारी है, मैं तो दोनों से न्यारा चितगन चैतन्य परमात्मा हूं। और देखा ये जिनदेव का प्रताप है, ये जिन शासन का प्रताप है, ये भगवान आत्मा की श्रद्धा का प्रताप है। अग्नि में कोई दूसरा जल रहा था, अरे जो मुर्दा था उसको तुमने जला दिया, अजीता जागता चेतन तो यहाँ राज रहा है। सब लोग माफी क्षमा मांगने लगे, भाई क्षमा करना क्षमा करना। बोले क्षमा तो पहले ही कर दी थी, क्रोध किया कहाँ था, अगर क्रोध किया होता तो स्वर्ग कहां से जाते। पहले ही खम्मा भी सब जीवा नाम कह के अग्नि में कूदे थे, और अतिशय दिखा करके क्या बोला है, अरे नीच पर्याय में भी तो है बोई भाई पाप, अरे नीच पर्याय में तो है बोई भाई पापा, देख के कार्य करे जो अधोगति माही। अरे नीच तो वो है जो नीच काम करता है, रात्रि भोजन करे, हिंसा दे कार्य करे, सप्त विष्णुओं का सेवन करे, तुम उच्च समझ के उसका सम्मान करते हो। बोले हम अहिंसा पाल रहे थे तो हमें नीच समझ रहे थे तुम, लेकिन भाई कोई इस पर्याय से उच्च और नीच नहीं होता, उच्च परिणाम से उच्च गति होती है और नीच परिणाम से नीच होते। उच्च परिणाम से उच्च गति यो गुरुवर कहते हैं, श्री भीम मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी, और भाई अतिशय दिखा महिमा जिन शासन की करके वो देव चला गया। इधर विद्यो देव नाम का चोर का जीव नरक की आयु पूर्ण करके इसी मध्य लोक विषय एक नगरी में एक श्रेष्ठी के यहाँ पर सेठ के यहाँ वैश्य कुल में जन्म लिया। पिता बेधर्मी था और माता जिनधर्मी थी। क्या? पिता बेधर्मी और माता जिनधर्मी। ओ जन्म ले लिया है, नाम रखा है भीम, सुन सब हर्षाते हैं, श्री भीम मुनिराज की मंगल। जो भैया अब तुम हर्षाए के नहीं, हर्षाए के दो दिन हो गए अब तक, भीम महाराज जी की कथा ही रही आई कथा रहे, चोर की सुधार है, कोई चाट डाल की सुधार है, वो ये कह रहे श्री भीम मुनिराज कथा सुना, भीम मुनिराज कथा सुना, नाम तो अब तक आओ इको है भीम है, इसलिए हर्षा गए आप लोग भी, कब आप क्या आ गई कथा। माता की तत्व ज्ञान भरी लोरियां सुनते भाई। छोटे से हैं भीम कुमार और माता मंगलकारी लोरी सुना रही उनको। क्या लोरी सुनाया करती थी, मंगलमयी मंगलीकरण शोदाति माँ को बाबीना, मेरे लल्ली ना आतम ध्यावुना,
मेरे लल्ली ना आत्म ध्यावीना, जो कर्म रूप नो कर्म रूप आरु भाव कर्म रूप नहीं, निरे वाणी रूप सो दात्युमा ऐसी दे सम सो दातुमा उसिया तुमा को बावना मेरे लल्ली नादम ध्यावी। कौन कौन लोरी सुना रही है? माता किसके लिए सुना रही है? सुलाने के लिए है? 9 बज गए भैया जी, लोरी सुना रहे, सो जाओ है? ओ जगाने वाली लोरी है बेटा, तू अपने को ज्ञाता देखना, आनंदकारी देखना, चैतन्य देखना। माता के तत्व ज्ञान भरी लोरियां सुनते भाई, संस्कार बस स्वयं विभावे ज्ञाता प्रभु सुखदाई, पापों से अति कंपित चित्त बचपन से ही पाते हैं श्री भीम मुनिराज की मंगल। सुनो जी मंगल जैन पुरानी आशो जी, किसी की हिंसा देख लें, किसी को मरा हुआ देख लें, कुमार मूर्छित हो जाता था, भोजन नहीं करता था, संस्कार काय के डर गए थे, पापों से कांप गए थे ना, कहीं चीटी न मर जाए, कोई जीव न मर जाए मेरे से। कौन को जल्दी बताओ? भीम बार कुमार थे ना, दौड़ के नहीं चलते थे, तुम्हारी जैसी चीटियां जा रही उन पर ही दौड़ गए, ऐसा नहीं करना, क्योंकि भीम कुमार जैसे कष्ट सह के आए हैं, ऐसी अपन भी अनंत बार चीटी बने हैं, अपन भी वो नरक में गए हैं, ऐसी वेदनाएं सही हैं, कबूतर बने हैं, कोई बिलाप बने हैं, ऐसी कौन सी पर्याय है जो तूने धारण नहीं करी? अरे जैसे पानी बरस रहा है ऐसे पानी बने हैं, पानी बन के बरसे हैं, अग्नि बन के जले हैं, पेड़ बन के खड़े रहे हैं, अब कौन सी पर्याय अच्छी लगती है तुमको? बहुत घूमे बहुत घूमे, चलो जल बन जाओगे तो खूब घूमियो बहते रहियो। अरे अपन तो एक ही जगह रंगे, एक ही जगह रंगे, अपन तो झई रंगे झई रंगे, वृक्ष बन जाइए तो खड़े रहियो, बोलो और क्या होगा? एक जगह है रहने की चेतन, इसके अलावा और कोई स्थान नहीं है। अरे मुफ्त का पाप कमाते रहे तो इनका क्या हो गया, उनका क्या हो गया, उसको ऐसे ले लूंगा, उसको ये ले लूंगा, उसको ऐसे कर लूंगा। अरे भाई हैं, वस्तु तो मिलना उदयाधीन है, पाप से मिलाप क्यों करते हो विकल्प कर करके? जानते हो वचन से और काया से भी अधिक पाप करता है मन से, क्योंकि काया में कितना भोगेगा वो, वचन में और कुछ ज्यादा कह देता है, क्या चाहिए, रात का टाइम है, उपयोग खराब मत करना, एक थाली रसगुल्ला ले आओ, खा लेगा, दिन की बात है, रात्रि में तो जैनी छूते नहीं, खा लेगा। तो वो वचन में भले बोल रहा है और मन में तो बोलो, एक बात को पढ़ो बड़े पंडित साहब का, सोचो तेरी भोगने की शक्ति कितनी है और आसक्ति कितनी है। ये मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, प्रभु तू वृथाई पाप कमाता है। कहां जाता था वो बालक? किससे? पाप है वीरु चित्त रहना चाहिए, ये आत्मार्थ का प्रथम कर्तव्य है। भोगो के तो नाम मात्र से भी कंपित मन हो जाता, ये तो ब्रह्म साधक ज्ञानियों की बात है, सामान्य जैन की भी पाप के तो नाम से चित्त कप जाता है। भैया भूखा रह लेंगे पर अन्याय नहीं करेंगे, प्यासे रह लेंगे परंतु, जल्दी बोलो,
अनछना पानी नहीं पिए, नहीं नहीं पिएंगे, भूखे रह लेंगे पर अवक्ष भोजन नहीं करेंगे, दरिद रह लेंगे पर अन्याय के काम नहीं करेंगे। आजकल तो भैया जी दो के चार करे बिना आते ही नहीं है, दो के चार, चार के छह, उसके बिना आते ही नहीं है। अरे ये तेरी मान्यता उल्टी है, अन्याय से धन आए तो समझना तेरा महा बहुत पाप का उदय है। वो पापानुबंधी पुण्य वाला होता है जिसको अन्याय से धन आता है। अवक्ष भक्षण से अगर तुझे लाभ मिल रहा है तो तू राजा अरविंद की तरह है। समझ में आया? राजा अरविंद पता है, उसको दाय रोग हो गया था शरीर में भयंकर वाला, चंदन लगाया शांति ना मिली, बड़ी बड़ी औषधियां लगाई शांति नहीं मिली, और एक दिन पड़ा था दो छिपकलियां लड़ रही थी तो एक की पूछ टूट गई तो उसका खून गिरा, आज शांति लगी। वो खून गिरा तो उससे शांति मिली, क्योंकि नरक जाने वाला था ना। ऐसी अवक्ष औषधियों से जिन्हें लाभ मिलता है, इस श्राप का चार में लिखा है, वे नरक जाने वाले हैं। आप चूरन चटनी समाप्त, हमें तो वही चाहिए, वही कर लो। मना अगर अवक्ष भक्षण से अगर तुम्हें लाभ मिल रहा है तो समझ लो ऐसा लाभ हमें नहीं चाहिए जिससे हमारी आत्मा दुर्गति में गिर जाए। ऐसे भोग नहीं चाहिए, बोलो कौन से, जिनसे महाभयंकर रोग मिले। बालक को माता ने तत्व ज्ञान के संस्कार दिए हैं और क्या हुआ है, पर अक्षर ज्ञान की शत्रु कुछ भी बुद्धि थी नाई। कर्म जो बने हैं वो तो उदय में आएंगे। सो भीम कुमार कहते थे एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं, एक अक्षर भी पढ़ना नहीं आता था, हैं? पर अक्षर का संपूर्ण ज्ञान था गुरु कै सुखदाई। अक्षर का ज्ञान नहीं था पर अक्षर का ज्ञान था। ये दो अक्षर कौन आ गए, सुबह होते तब बताते हम दोनों अक्षरों को अच्छे से। इस अक्षर का ज्ञान नहीं था पर अक्षर का, क्षर मतलब छह होना और अक्षर मतलब जिसका कभी छह नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, उसका ज्ञान था। वो कौन है? हाँ, वो अपना शुद्धात्मा, उसका पूर्ण ज्ञान था। और मैं तो हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये ही ज्ञान परिपूर्ण दिखाते हैं। मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी। मुनिराज की मंगल, भार का अक्षर ज्ञान नहीं था लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं कि संपूर्ण ज्ञान था। क्या संपूर्ण ज्ञान था? द्वादशांग वाणी का सारे, ओम धुनि का सार, मैं तो हूँ सोता तुम्हा मंगलमय अविकार। केवल ज्ञान भी इतने ज्ञान सो प्रकट दिखाते हैं, श्री भीम मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी। उम्र बढ़ती गई, बढ़ती हुई वह में 8 या 10 साल के हो गए भीम कुमार। गुरु ने बहुत प्रयत्न किए लेकिन उन्हें अक्षर ज्ञान ना हो पाया, कुछ भी नहीं याद रहता था। परंतु आचार्य भगवान कहते हैं सब कुछ याद रहता था। जिन देव हमारे हैं, मुनिराज हमारे हैं, जिन वाणी हमारी हैं, चैतन्य तत्व हमारा है, बस इतना याद रह गया तो सब याद रह गया।
और छोटी सी उम्र में एक बार बड़ा मंगल अवसर मिला उन्हें। 8-10 साल के थे, भ्रमण करते करते नगर से बाहर जंगल में चले गए। कौन? मुनि नहीं, भीम को। छोटे से थे, छोटी सी बेमे बागी सो मुनि दरस बाए बाए। भगवान आत्मा में तृप्त दिगंबर मुनिराज मिल गए और मुनिराज मिले हैं, आनंद झरने लगा। हाथ जोड़ ली उस बालक ने, मुनिराज आते हैं बेनियम सार कामरा बेसमय सार कामरा हम पर बरसाते हैं, मुनिराज आते हैं। वहां तो वे स्वयं पहुंचे मुनिराज के निकट, दर्शन करके आज जोड़े था कौन, जल्दी बताओ। कहानी पे आ गए ना अपन, भीम कुमार। 10 साल का बालक, वाह आनंदमय मुद्रा आज ही देखी है मैंने, ऐसी ऐसा आनंद तो पहली बार देखा है। सुनियो उपदेश, और मुनिराज ने उपदेश देना शुरू किया। धन्य मैं क्या हूँ, मैं क्या, वाह महाराज जी वाह, बड़ा नाच, बड़े आनंद हो रहा है। अनुव्रत को ग्रहण किया सुखुदा, ज्ञानी तो थे ही, समझ ऋषि थे ना, और अनुव्रत ग्रहण कर ले, श्रावक के व्रतों को ग्रहण कर लिया। ओ प्रसन्न निज घर पहुंचे, पिता क्रोधित होते हैं, श्री भीम मुनिराज की मंगल। और बड़े प्रसन्नता से, जाओ जाओ आज तो मुझे निधि मिल गई, आज तो मुझे निधि मिल गई। क्या कह रहे आए थे भाई? अनुव्रतों का मतलब हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह, वैसे त्याग थे, लेकिन ये जो अनुव्रत होते हैं ना, ये अतिचार रहित जो पंचम गुण स्थान की ओर ले जाते हैं। वही जब अष्टम वर्ष कुमार गए अनुव्रत मासुकुकार, समझे आता ना, भगवान मुनिराज से अनुव्रत लिए, अब यही मेरे महाव्रत होंगे और यही मुझे सिद्धालय ले जाने वाला है, ऐसा बड़े खुश हो रहे। आज मुझे निधि मिल गई मैया, आज मुझे निधि मिल गई। बोले बेटा क्या मिल गया है तुझे? कि मुझे मुनिराज मिल गए। वाह बेटा वाह बेटा, माँ ने हृदय से लगा लिया। फिर तुझे क्या मिल गया मुनिराज से? मैंने मुनिराज से व्रत लिए। और तब तक पिता आया, अच्छा इसको तुमने बहुत बिगाड़ दिया बिगाड़ दिया ना, क्यों? बच्चे अच्छे काम करते हैं तो लगता है बहुत बिगड़ गया, पहले हम कहते थे अभी 2-4 घंटा वहीं रहता, को चलाएगा को क्या करेगा। बोले तुमने बहुत इसको वो दे रखा है, आज ये उनके पास चला गया, वो तो जैन था नहीं, जैन धर्म की श्रद्धा ही नहीं थी, आज वो बाबाओं के उनके पास चला गया, कल उन्हीं के संगे रह जाएगा। ए तू नियम कैसे लेके आया मेरे से पूछे बिना, और वो छिपा जा रहा है, माँ छिपा रही है, और पकड़ लिया। वो पकड़ करके मार लगाई, हंटर उठाया उसने पिता ने, और मार लगाना शुरू कर दिया। किसकी? ए बच्चों माँ नहीं सुना रहे, हम दूर दूर बैठा देंगे, बैठाए उठो, हाँ इधर बैठ, बड़े ही बात करेंगे तो वैसे उठा दूंगा मैं, हाँ 2-3 दिन 4 दिन तक देखूंगा मार लगाई घर से निकालने पिता ने उद्यम किया,
जिन शासन मेरा प्राण ये महामहिम में सुख खान, इसकी शान न जाने देंगे, इसकी आन न जाने देंगे, चाहे सज जाए प्राण जिन शासन मेरा प्राण ये महामहिम में सुख खान। छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? कि पिताजी पा सब शरीर छोड़ दूंगा, परंतु ये धर्म नहीं छोड़ूंगा, अणुव्रत नहीं छोड़ूंगा। अरे महाभाग्य से मुझे मुनिराज से व्रत मिले हैं, और मार लगाई, मार लगाना शुरू इतना किया हैं, और वो तो धुन लगा रहे थे, छेद जाए या बिद जाए यतन, मैं तो चेतन मैं तो आवेद अछेद चेतन, उसको बाते हुए उसको जाते हुए इन तन को भी तज जाएंगे हम जिंदरम, तेरा समझा मरम तेरी रक्षा में प्राण भी। मार लगाई, अज मरा सा हो गया, माँ कहने लगी काय मार रहे, जरा सा बच्चा है। अरे उसकी जिद ही मान लो, क्या जा रहा है वो, हिंसा नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। अरे मैं नहीं जानता जी व्रत, व्रत यहाँ नहीं चलेंगे जी व्रत, चल निकल जा घर से, और पकड़ा और धक्का दे दिया बाहर। तब तक लोग इकट्ठे हो गए, ए बताओ इसको क्यों मार रहे भैया, बच्चा है। बोले इसकी गलती नहीं है, उन्हीं के पास चलो तुम, अपन हम भी जा रहे हैं। इतने से बच्चे को नियम कह दे दिया। हाँ बोले जी बात तुमने सही कही, उसी को सुनाते हैं जाकर, उससे कहते इसको समझाओ। क्या समझाओ? जो तुमने नियम नियम दे दे ना, मिले लो अपने, हम नहीं पलवाएंगे, उन्हीं से कहते। पकड़ करके लेके चल दिया, किनके पास में? मुनिराज, चल तेरे गुरु के पास ही चलते हैं, हमसे पूछे बिना उसने नियम कैसे दे दिए। और चार छह आठ लोग और बेधर्मी साथ में चल दिए। बोला छोटे से बाल को नियम दिया क्यों, चलो साधु पे चलते हैं, श्री भीम मुनिराज की मंगल सुनो जी, मंगल जैनपुरा अन्य बेधर्मियों सहित मुनिवर के निकट जाए। और वो वक्ता भक्ति करता हुआ जा रहा, भीम भीम था ना, हैं अब तो महाराज जी मुझे बचा लेंगे, अब मुझे चिंता नहीं है, और अब मैं आऊंगा ही नहीं, अगर जे नियम छुड़वाएंगे तो मैं तो महाराज जी को छोड़कर आऊंगा ही नहीं, मैं नियम नहीं छोड़ूंगा। महाराज जी भले कहें कि बेटा छोड़ दो, तो भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। बोला प्राण जाए तो भी नियम न तोड़ूंगा, छोटे से नहीं नहीं पर रास्ते में एक चोरी को अग्नि में जलता, अरे देख। रास्ते में जा रही थी भैया, और जाते जाते क्या देखा है, एक चोर बंधन में बांध दिया था उसको, और मार लगाते हुए कहां ले जा रहे थे, अग्नि में जलाने के लिए। पिताजी ये कौन है, देखा देखता नहीं मूर्ख, चोर है। चोर को कहां ले जा रहे हैं, अग्नि में डालने के लिए ले जा रहे हैं। ये चोर है, ऐसा चोर तो मैंने पहले भी देखा है। क्या चोर मैंने देखा है पिताजी, मैंने देखा है ऐसा चोर, लगता है इस पर कोई जादू कर दिया, क्या कर दिया इसे,
हैं? हाँ, अरे देखा है मैंने, कहूँ देखा है। इसने बोले, सब लोग कहने लगे, इसने कहीं देखा है क्या? कहीं कहाँ से देखा है, घर से पहली बार निकल गया है, घर से कहाँ से देखा है? नहीं मैंने देखा है, देखा है, देखा है। और कहते कहते मूर्छित हो गए और होश में आए सो दिखने लगा। क्या दिखने लगा? जाति स्मरण ज्ञान हुआ। अरे देखा क्या है, मैंने तो चोर बना हूं और यही अग्नि की लपट में मुझे पटक दिया था। मैं बड़ा क्रूर था पिताजी, मैंने उस भव में मुनिराज को अग्नि में डाला था, आरिका माता जी को अग्नि में जलाया था, उसके पहले भव में मैं बिलाव था और उन्हीं को मैं कबूतर कबूतरनी थे बिन का मैं भक्षण कर गया था, उसके पहले भव में वो रति कांता थी और बोलो सुकांत थे और मैं धनदेव था। मैंने आकर उन्हें अग्नि में जला दिया था, उसके फल में पिताजी नरक में अनंत बार मुझे काड़ाओं में उबेला गया वाला गया। मैं चोरी करता था कुशील देवर, लाल लाल उनसे मुझे लपेटा गया था, ये जिन धर्म था जो मुझे अंदर से प्रसन्न रख लेता था। पाप के दंड तो मैंने वहां बहुत भुगते, उसी का जो बचा हुआ कर्म था जो इसमें उदय में आ गया, जो बेधर्मी पिता मिली हाँ? वो उदय में आया जो मुझे अक्षर ज्ञान नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरे सम्यक्ति ने मुझे बचा लिया। आंखों में अश्रु भर आया, रोने लगा और क्या होता है, दे अश्रु पाते करते कुटुंबी जनों को पूर्व सुनाए भव सुनाए, सुने पिता सहित सभी पापों से कम पाए। हो इसने ऐसे दुख पाए और हम भी वो ही काम करने जा रहे हैं। गुरु चरणों में पहुंच गए, हमने बड़ा अपराध कर लिया बेटा, लेकिन अब तेरे गुरु जिनके तुमने दर्शन किए वो हम सबके गुरु होंगे, चलो हम जाते हैं। और जा करके भीम ने जैसे ही पहुंचा है और पहुंचते, ये महाराज जी मुझे बचा लो, हे महाराज जी आपके ही कोई अन्यायी शिष्य ने मुझे सम्यक दिया था और आज आप मुझे वो चारित्र दे दो जो मुझे सबसे बचाकर सिद्धालय ले जाए। गुरु चरणों में जा दीक्षा की प्रार्थना करते हैं, इबी में मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी बोले, वो प्रार्थना कर रहा है, सब पिता बोले, हे भगवान मैं रोकूंगा नहीं, इसकी भावना जागी है और अब तो जिस जिन धर्म को इसने अपनाया था उसको मैं भी अपनाऊंगा, परंतु मैंने अन्य लोगों से सुन रखा है कि जैन धर्म के सिद्धांत बड़े सूक्ष्म हैं, जैनों बड़े उनका धर्म बड़ा सूक्ष्म है, लेकिन इसमें तो बुद्धि नहीं है महाराज हैं। बोले ये बिना पढ़ा महामूर्ख है गुरुवर। क्या बोले पिता? बोले महाराज जी ये तो कुछ जानता ही, इसको याद भी कुछ रहता नहीं है, कैसे समझेगा सूक्ष्म सिद्धांतों को ये सुख कर। जिन धर्म के सिद्धांत बहु सूक्ष्म कहते हैं, श्री भीम मुनिरा एक बार हमने सुन लिया था महाराज जी,
तो वो कोई चर्चाएं चल रही थी तो हम जाके बैठ गए थे तो कछु समझ में, बोले तुमने अभी सिद्धांत का सार नहीं देखा है। जब सुबह आकर बैठ जाए ना कोई, और शुरू में अगर हम नियम सार की शब्द समाचना कर रहे हैं ना, तब भी लगेगा ये तो कछु समझ में आने वाला नहीं है। पर ऐसा नहीं, जानन यार की जानन सो सब कुछ जानन में आए, लोका लोक का ज्ञान से जे ज्ञान में प्रगटा, सुपर वेद वे ज्ञान ज्ञान का मूल दिखाते हैं, रिवी में मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा, तो महाराज जी ये मोक्ष मार्ग में कैसे बढ़ेगा? बोले मोक्ष मार्ग का विस्तार तो तुमने बहुत देखा है बाबे, पर मोक्ष मार्ग का मूल नहीं देखा तुमने। महाराज जी ये मोक्ष मार्ग का मूल क्या है? हैं? पर द्रव्यंत भिन्न आपकी रुचि समकित कहलाए, आप रूप को जान पना सो सम्यक ज्ञान का, लीनता चारित्र इसी सो शिव पद पाते हैं, रिवी में मुनिराज की मंगल। भाभी पद्देव से भिन्न अपने भगवान आत्मा की रुचि का नाम सम्यक है, अपने ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, अपने में लीनता का नाम सम्यक चारित्र है, बस मोक्ष मार्ग इतना ही है। महाराज जी कुछ ज्ञान तो चाहिए इतना सब कुछ? जीव रूप उद्गल जुदा जुदा है, तत्व का सार कहा है, इसी का विस्तार रूप द्वाद सांग श्रुत कहला, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व को सार, बाकी जो कछु भी कहो सब प्रयोजन भूते इतना ही है, प्रयोजन भूत इतने ही ज्ञान सो मुक्ति पाते हैं। कितने ज्ञान से? ए विन्य और मैं श्री भीम मुनिराज की मंगल, सुनो जी मंगल जैनपुरा, जीव कवि अजीब रूपिना। ये चौसम ज्ञान तो अजीब की पर्याय है, ये तुम्हारी पर्याय, ये सब दशा तो पुद्गल की है, अजीब की नहीं है। जीव कवि अजीव रूपना, अजीव जीव रूपना हो, हो प्रसन्न सावधान हो, निज में दृष्टि धरो, ये हो प्रसन्न सावधान हो कर निज में दृष्टि धरो, परमानंद जराता वेद विज्ञान दिखाते हैं, श्री भीम मुनिराज की मंगल। और सुनो भले ही ये जीव अनादि से पौद्गलिक पदार्थों में रहा है, तो भी जीव कभी अजीब रूप नहीं होता और अजीब कभी जीव रूप नहीं होता है। तुम यह जानकर प्रसन्न हो, सावधान हो, उसो द्रव्य में एकत्र करो। जो ये सुना है सब ने जिन शासन को स्वीकार कर लिया, अणु व्रतों को अंगीकार कर लिया, और मुनि भगवान की जयकारा लगाने लगे, बोले जगंबर महा मुनिराज की। अब भीम मुनिराज बालक बोले महाराज जी हम छोटे में अटकने वाले नहीं, अब तो सम्यक से अणुव्रत पे आए थे और अणुव्रत से महाव्रत पे जाएंगे महाराज। ले अनुमति नन्नी सी उम्र में धारा है बेरा, केस लोचन किया काले काले से केस छोटा सा वाला,
आचार्य महाराज कहते हैं मानो कि काले काले कर्म उखाड़ रहे हो। प्रचुर स्व संवेदन करते परमानंद जराय, अद्भुत साधना देख सभी जन अचरज करते हैं। श्री भीम मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी, दूसरे दिन उपाध्याय महाराज ने अध्ययन शुरू करा दिया सकल संघ का। उपाध्याय महाराज पढ़ाए पर याद न कुछ भी राय। किनको याद कुछ का पढ़ाया, वो भेद कितने बताए वो याद नहीं रहे, पर अभेद ही है इतना याद रह जाए और बैठ जाए। बस सारे भूत सुदा तम लखते और मैं वो सुखदाय, सहज ज्ञान दारा में इसका खेद न भरते रे। श्री भीम मुनिराज अरे छयो समीना दिखो चाहे जैसा उदय रहे, साधक की साधना पर इसका कोई अंतर नहीं पड़े। छोसम कमो अधिको, चाहे सम्मान करता हो कोई अपमान करता हो कुछ भी होता रहे, साधक की साधना पर इस पर कोई अंतर। लक्षण संयत का साम्य भाव लख ज्ञानी अरसाते हैं, श्री भीम मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा। और ये सब साधना करते हुए मुनिराज भीम ज्ञायक का इतना बल, छोटी सी 12-14 साल की उम्र है, दो दो चार चार दिन का उपवास लेते और आत्म ध्यान में खड़े रहते। आचार्य महाराज कहते इनको याद बने नहीं रहता, लेकिन पूरा तो याद है, कार्य तो यही कर रहे हैं। उपाध्याय महाराज प्रशंसा करते तो भी श्रेणी नहीं चढ़ पा रहे थे। क्या नहीं कर पाए? क्योंकि भीतर एक सूक्ष्म विकल्प था। क्या? एक सल्ले नहीं होती है धर्मात्माओं को, ध्यान रख, महात्माओं को सल्ले नहीं होती, निसल्लो वृत्ति होती। विकल्प था सूक्ष्म, वो सूक्ष्म विकल्प जब छठा गुणस्थान में आते थे कभी कभी प्रकट दिखाई देता था, निंदित थे आचार्य भी उसकी कई बार छुड़वाते थे, लेकिन वो रह रहकर वो विकल्प आ जाता था। कौन सा है वो सूक्ष्म विकल्प जो इस छठे साते गुणस्थान में भी श्रेणी नहीं चढ़ने दे रहा? वो सूक्ष्म विकल्प देखने के लिए, सुनने के लिए सभा 8 पे आना, जैसे कि समय पे ये कहानी पूरी होगी और कल प्रारंभ करेंगे।